नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? ऑप्शन ए एम्फीबिया और मृतस्य। मृतस्य मीन्स मछली। नेक्स्ट है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन डी लाइसोसोम। अगला है, झाड़ी जिसको कहते हैं छुप के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन डी बीज से। अगला है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी दूध में पाया जाता है। अगला है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीब या कह सकते हैं एंजाइम बदलता है? ऑप्शन सी जाइमेज एंजाइम। अगला है, निसांदता किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से निसांदता होता है, रतौंधी रोग। अगला, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो डायनासोर क्या थे? ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिकेट्स, जिससे क्या होता है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी इसको आप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। अगला, यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ऑप्शन ए रबड़ से। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए ईथेन। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में बसा जमा होती है, तो ऑप्शन बी बसा ऊतक में एडिपोज ऊतक। अगला, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, ऐसा करने से कैंसर जनी पदार्थ जैसे बेंजोपायरेन पैदा होते हैं। अगला है, वातावरणीय परिवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी मौसम विज्ञान कहते हैं। रुधिर का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन डी 7.4। नेक्स्ट है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की जो मक्खी होता है, मक्खी होती है, उसका विष होता है ऑप्शन ए अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन बी हिस्टिडीन। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन सी फ्रक्टोज। अगला है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं? ऑप्शन डी चालन का। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? ऑप्शन ए वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना
सीमित रहती है। ऑप्शन डी, पिछले भाग पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन डी, सिट्रस फल मतलब खट्टे फल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। ऑप्शन सी, जस्ता। अगला है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी, प्लीहा को कहा जाता है। अगला है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पर्वतचि है। ऑप्शन बी, ढोल। अगला है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ऑप्शन बी, एपिकल्चर। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, देहरादून में। अगला क्वेश्चन आप गाइस बनता है आपका, जीवन का ब्लूप्रिंट है तो जीवन का जो ब्लूप्रिंट जो होता है, ऑप्शन ए डीएनए होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ब्रक। अगला, रुधिर में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन डी, लौह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेल। अगला है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, आवृत बीजी में। अगला क्वेश्चन है, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। ऑप्शन डी, अग्रगामी। अगला क्वेश्चन है, मानवों का एक मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन सी, 72 बार। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी, 6 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन सी, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी, लौंग में। अगला है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम होता है। ऑप्शन बी, अमीनो अमल अनुक्रम का पता लगाने की। अगला है, BCG प्रतिरक्षण होता है, तो BCG प्रतिरक्षण होता है ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन आपका है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं, तो ऑप्शन डी, कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के रूप में। अगला है, हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। ऑप्शन बी, चुएन बाल्ब के रूप में।
अगला है एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन डी लिंग गुणसूत्र होते हैं। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्री कपोत। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? ऑप्शन सी अल्फ्रेड रसल वालेस। अगला है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी अस्थि, जिसे कहते हैं हड्डी। अगला है, रोग जनक जीवाणु निस्तारित करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिजन। और अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पशु पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन बी बीज आवरण अपारगम्यता। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक या फिक्सेटर कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हरे पौधे। और आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।